अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन लिखे हैं, पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ टू टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो वो जिसमें सारे ही क्वेश्चन पॉजिटिव के हों, और सेकंड वो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इन्वॉल्व हों। ठीक है, जो एग्ज़ाम्पल है आपकी उसमें तो एज यू नो के मोड के मेथड से किया, बट हमने मोड के मेथड से नहीं करना, हम लोग सिंपल वे प्लस माइनस के साइन जो है उनको यूज़ करते हुए बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसी को नोट डाउन करना है नीचे एज इट इज़। वैसे ही ये याद रखिए कि मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे प्लस का साइन होता है हम उसे नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन क्वेश्चन में आपने माइनस का साइन तो मस्ट लिखना ही लिखना है, प्लस का साइन भी लाजमी लिखना है। ओके, अभी जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया है ये वैसे ही, बस इसमें थ्री वैल्यूज़ इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज कि आप समझे ये वाली फॉर्म है ही नहीं, सिर्फ टू वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जो टू वैल्यूज़ होंगे तो आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि ये किस फॉर्म से करना है। अब ये दो प्लस के साइन है, एज वी नो के प्लस और प्लस को जब सॉल्व किया जाता है डेट्स इक्वल टू प्लस, क्योंकि दो सेम साइन हमेशा प्लस का प्लस बनते हैं, तो प्लस प्लस प्लस। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये ब्रैकेट से बाहर प्लस टू वैसे ही आ जाएगा, इन प्लस को सॉल्व करके ये वाला प्लस आया, सो ये प्लस हम यहाँ लिखेंगे और ये थ्री एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक, अब बाकी फॉर्म क्वेश्चन की हम उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। क्लियर, अब इसको सॉल्व करने से आपको पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ऊपर भी हमने लिखा है, तो थ्री में टू प्लस करें तो डेट्स इक्वल टू फाइव। अब फाइव लिख दिया, अब ये ब्रैकेट अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जब टू वैल्यूज़ सॉल्व होकर एक वैल्यू में चेंज हो जाती है तो ब्रैकेट हद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट इसलिए रेज नहीं कर रही क्योंकि वो जब वो स्टेप आएगा तो नेक्स्ट नीचे स्टेप में हम खुद बहुत ऑटोमेटिकली रेज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमने कुछ नहीं करना, अब हमने इस पर भी रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि प्लस प्लस का साइन क्या था। वैसे ऊपर लिखा है बट आपने हर स्टेप में लिखना है कि कौन सा प्लस माइनस का फार्मूला या रूल आपने लगाया, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, सो ये प्लस हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके अकॉर्डिंग ये प्लस फाइव नीचे आया, इन दोनों प्लस को सॉल्व करके एक प्लस आया, वो हमने यहाँ लिखा, और इस फोर के साइन को एज इट इज़ नीचे लिखा। फाइव और फोर इज इक्वल टू नाइन, अब नाइन तो आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन जो भी साथ होगा वो आपने लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, जब इसको प्लस करें आंसर वैसे ही आएगा, लेकिन ये हमारे साइन को यूज़ करते हैं हम लोगों ने साथ साथ लिखना है कि हमने इसके ऊपर कौन कौन सा साइन और किस किस तरीके से अप्लाई किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था जो पहला क्वेश्चन था, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव की थी, सारे साइन पॉजिटिव थे, यहाँ पर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। एक और चीज़ क्वेश्चन जो बुक में है उसमें यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लिखा, प्लस का साइन हम ना भी लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लाजमी बीच में लिखते हैं, साथ लिखते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस लिखूंगी नहीं फॉर एग्जांपल, तो मैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई करूँगी, और जब फार्मूला अप्लाई करना तो मैं एकदम प्लस लिख दूँ और वैसे वैल्यू में लिखा ना। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके साथ प्लस का साइन आपने खुद लिखना है। अब पहले स्टेप क्या, आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट करना है। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट फर्स्ट में थी, यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट में है। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, इसको मैसेजेस ऐसे ही नोट करेंगे। सॉरी मैंने इसको लिखना तो फॉर्मूला भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पे फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं पहले हम वो लिखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, हमने इसको नहीं देखना, हमें इन दो साइन को देखना है। ठीक है, प्लस एज वी नो प्लस माइनस, जब ऑपोजिट साइन होंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस तो वो क्या साइन बनाते हैं, माइनस। हमेशा सेम साइन माइनस माइनस और प्लस प्लस ही प्लस बनाता है, ये माइनस हो गया। अब इसकी फॉर्म तो हमने वैसे ही लिखनी है, अब यहाँ पर ये प्लस 25 एज इट इज़ आया, प्लस माइनस सॉल्व करके माइनस आया, इस 30 को हम साथ लिखेंगे,
ओके जी, 25 में से 30 माइनस करिए, 30 में से 25 माइनस करें, बात तो सेम ही है। अच्छा एक और चीज़ को आप देखें, प्लस माइनस माइनस, हमने इसको माइनस करना है, यानी कि इस प्लस को आप देखते रहें। अब 30 में से जब 25 माइनस करें तो आता है हमारे पास 5, ठीक, ब्रैकेट में ही रहने दें इसको। अब 5 तो आ गया, अब साइन 25 छोटा है 30 बड़ा, जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो भी साइन है कभी भी, अच्छा ये भी चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे साइन कौन सा है, कोई भी वैल्यू से पहले जो साइन होता है ना, जैसे 25 से पहले प्लस है तो ये प्लस 25 का साइन है, 30 से पहले माइनस है तो ये माइनस 30 का साइन है, ये माइनस हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगेन इस फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे, वी नो कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 18 जो कि ब्रैकेट में है इसको हम विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस को सॉल्व किया, माइनस आया, अब इस 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया माइनस माइनस, जो कि अभी तक हमने फार्मूले में नहीं किया, हम इसका, अच्छा अगर आपका फार्मूला रिपीट हो रहा है, जैसे ये रिपीट हो गया, अगर हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब फार्मूला चेंज हो रहा है जैसे माइनस माइनस आ रहा है तो आप लिखें। सो कोशिश यही करें कि हर स्टेप में आप फार्मूला इसका लिखें, जैसे जैसे आप जो जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ऑपोजिट साइन है हमेशा माइनस बनाते हैं, और सेम साइन प्लस प्लस वो ये माइनस माइनस और प्लस ही बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब हमने इसको करना क्या, हमने इसको करना प्लस है, बट आंसर के साथ साइन जो है ना वो माइनस में लिखना है। 18 में 5 प्लस करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हमने यहाँ लिखा 23, बट साइन बड़ी वैल्यू का 18 के साथ जो साइन है वो हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये नहीं कि प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, नहीं, हमने करना है इसको प्लस है, बट साइन जब भी प्लस माइनस कुछ भी हो वो आपने उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, कि जब प्लस होता है प्लस करना, माइनस होता है माइनस करना, बट साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ का लिखना है। क्लियर हो गया, ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका होमवर्क इसमें टास्क ये है कि आपने इनसे रिलेटेड जो उसके रिमेनिंग पार्ट है वो सारे करने हैं, उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि हम चेक कर सकें कि आपको कितनी समझ आएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।